नमस्कार दोस्तों, होम मेकिंग विद अपेक्षा चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो। इसमें क्या है, देखिए मैंने ये टॉप बनाया है, आप देख सकते हैं, और ये मैंने बिल्कुल 1.25 मीटर कपड़े से बनाया है, तो इसी की स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस टॉप को बनाने के लिए 1.25 मीटर कपड़ा लिया है, और ये जो कपड़ा है ये हमारे जॉर्जेट का है। तो जॉर्जेट के कपड़े में इस तरीके के टॉप जो होते हैं बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब आप सबसे पहले क्या करें, आप इसकी रॉन्ग साइड आप इसको इस तरीके से बिछा लें कि हमें कट करना है टॉप को। तो ये देखिए आप लाइनिंग अपना डिज़ाइन देख के, और ये देखिए हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, ये रॉन्ग साइड है क्योंकि जो हम मार्क करेंगे वो हमारी रॉन्ग साइड होंगे। अब आप क्या करें, कितना आपको फोल्ड करना है उसके लिए आप क्या करें, जैसे मान लीजिए आपको घेरा लेना है 20 इंच का, अगर 20 इंच का हाफ हुआ 10 इंच, और उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम जो कि हमारे अंदर सिलाई में आएगा, तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेके तो हमारा टोटल 11 इंच हुआ। 11 इंच अपने कपड़ा फोल्ड कर लेना है। अब लेंथ लेंगे, लेंथ के लिए जैसे मुझे चाहिए 26 इंच तैयार, तो 26 इंच में आप 2 इंच एक्स्ट्रा, आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना क्योंकि जॉर्जेट है तो धागे बहुत निकलते हैं, इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था, और बाकी आप अपनी इच्छा से जितनी आपको लंबाई रखनी है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दें, क्योंकि ये पीछे का पार्ट है दोस्तों। पहले हम पीछे का पार्ट कट कर रहे हैं, तो आपने पहले पीछे के मार्क कर लेना क्योंकि आगे वाले में हम डिज़ाइन डालेंगे, और इसके बाद हम लेंगे तीरा। तीरा हम 7 इंच लेंगे क्योंकि देखिए ये वाला जो गला होता है टॉप का ये ज़्यादा डीप नहीं होते, ना आगे से ना पीछे से, तो इसमें आपको तीरा 7 इंच लेना है, और 1 इंच हम डाउन करेंगे क्योंकि देखिए बड़े का पीछे का जो होता है बैक पार्ट वो हमेशा 1 से 1.5 इंच बड़ा होता है, तो मैं यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसी तरीके से आप 1 से 1.5 इंच के बीच में एक्स्ट्रा ले लें जिससे कि वो पीछे की तरफ नहीं भागेगा, हमारा जो आगे का गला होगा वो एकदम सही आएगा। तो इस तरीके से आप मार्क कर ले। अब मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ आर्म होल। आर्म होल को भी आपने बिल्कुल 7 इंच पे कर लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट पहनना पसंद करते हैं तो आप 6.5 इंच पे कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे 7 इंच पे कर रही हूँ, मुझे नॉर्मल चाहिए। अब बारी आती है हमारी चेस्ट की। चेस्ट पे मुझे जैसे 9 इंच पे करना है, तो 9 इंच के लिए हम यहाँ एक मार्क कर लेंगे, और हमें थोड़ा सा मार्जिन देना है जो जहाँ से हमारी कटिंग होगी। ये हमारी सिलाई का मार्क किया हमने, यहाँ हमारी सिलाई आएगी, और इससे 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें जहाँ से हमारी कटिंग होगी, तो 1.5 इंच भी काफ़ी है अगर आप 1.5 इंच लेंगे तो भी। ये देखिए इस तरीके से आपने मार्क कर लेना है, नीचे तक आप इसको कर लें जहाँ तक घेरा है वहाँ तक। और अब मैं यहाँ पे इसकी गोलाई देने के लिए 1 इंच का यहाँ पे एक मार्क कर दूँगी, इस तरीके से 1 इंच पे करना है क्योंकि पीछे का है, अगर आगे का होता तो हम 1/2 इंच पे कर लेते हैं। तो इस तरीके से गोलाई दी दीजिएगा सेंटर से, थोड़ा सा रफली मैं आपको बस बता रही हूँ। अगर आपको पूरी कटिंग सीखनी है तो पूरी कटिंग मैंने शर्ट की कटिंग में बताई है, उसमें आप देख लें, नहीं तो मैं दोबारा भी कोई वीडियो डाल दूँगी। अब देखिए अब ऊपर आ जाइए आप, ऊपर हमने क्या करना है, 1 इंच हम डाउन करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप गले का निशान मार्क कर लें। तो गला की चौड़ाई जो है हमें चाहिए 2.5 इंच। ये देखिए 2.5 इंच पे आपको एक मार्क करेंगे इस तरीके से, यहाँ से हम गला इतना हमें मतलब ब्रिथ गले की जो होगी वो हमारी इतनी होगी, तो इसको भी आप 1.25, 2, 2.5, 3 कितना भी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। और जो नीचे वाला देखिए हमने एक नीचे भी मार्क किया था शुरू में, उसके साथ आप इस तरीके से इसको मिला दें जो गले वाला है और इसको, और यहाँ से अब हमने इसको डाउन करके कट कर लेना है। ये देखिए अच्छे से हम इसको मिला देंगे, और अब हम कैंची से नीचे तक इसको कट कर लेंगे। सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ, कोई ज़्यादा एक आधा आधा इंच का वो हमें इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा डिज़ाइन है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो पता भी नहीं चलता है। तो इस तरीके से आप इसको कट कर लें, और इसी की सहायता से हम हमारा फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, और उसके बाद हम रॉन्ग साइड ही हमारे फ्रंट पार्ट को बिछा देंगे।
ये देखिए मैंने बैक पार्ट कट कर लिया, ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये देखिए यहाँ से ओपन है। ध्यान रखना है आपको इस बात का कि इस तरफ आपने दूसरी साइड ओपन रखनी है और अपनी तरफ आपने बंद वाली साइड रखनी है। तो इसमें जो हम डिज़ाइन डालने वाले हैं उसके लिए ही मैंने इसको बाद में कट किया है, कट कर रही हूँ मतलब। तो इसमें हमें एक्स्ट्रा लेना 5 से 6 इंच, मतलब जो ब्रिथ है कपड़े की वो हमें डिज़ाइन डालने के लिए 5 से 6 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि हमें प्लेट्स डालनी है आगे वाले में। तो अब इसके लिए क्या करें दोस्तों, देखिए जैसे हमें 6 इंच एक्स्ट्रा लेना है तो 3 इंच, क्योंकि फोल्ड है कपड़ा हमारा, तो यहाँ 3 इंच पे, या अगर 5 इंच लेना है तो 2.5 इंच पे आप एक मार्क लगा लें। तो हमारा टोटल करके आप देखिए ओपन वाली साइड तक टोटल करके आप जितना आपका बैठता है, क्योंकि 20 इंच घेरा चाहिए और 5 इंच एक्स्ट्रा, 25 हो गया, 25 का आधा 12.5, तो उस पर हम मार्क कर लेंगे। और 26 इंच हमें चाहिए था तैयार, तो यहाँ मैं 2.5 इंच पे कर रही हूँ, ये हमारी लेंथ है। और अब देखिए आप हमारा तीरा वही सेम 7 इंच, और गला हमें चाहिए 2.5 इंच। तो ये देखिए अब हमने क्या करना है, जो अंदर की साइड हमारे फोल्ड वाली साइड थी ना, वो मैं मार्क आपको दिखा रही हूँ, जो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ। इसको आप नीचे तक कर लीजिए, इस लाइन को सीधा नीचे तक इसी तरीके से, ये एक्स्ट्रा वाला कपड़ा जहाँ डिज़ाइन डलेगा उससे आगे आपने तीरा करना है। तो इसके लिए आप क्या करें, देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सा बताती हूँ कि आपने जैसे हमने बैक पार्ट कट कर रखा है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छोड़ दिया, देखिए मैंने वहाँ छोड़ दिया है जहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, ये छोड़ दिया, और इसको बैक वाले को आगे जहाँ से हमने अपना तीरा लेना है वहाँ से मैंने इसको बिछा दिया है। बस अब आप कुछ नहीं करें, आप जैसा सेम कट कर ले जैसा हमने कर रखा है। और क्योंकि देखिए पीछे वाला हमारा हमेशा बढ़ के होता है, मैंने बताया था आपको, तो वो मैंने नीचे रखी है लेंथ, ये देखिए नीचे की साइड मैंने लेंथ कर दी थी ताकि ऊपर से हमें कोई परेशानी ना हो कट करने में। हमारे दोनों पार्ट कट हो गए। अब आगे वाले में क्या होता है, थोड़ी सी आर्म होल होती है, वो डीप कटिंग होती है, आपने भी देखा होगा, जिससे कि हमारी बाजू इजीली मतलब मूवमेंट कर सके, तो इसलिए 1/2 इंच का ये देखिए थोड़ी सी डीप कटिंग कर लें, इससे क्या होगा हमारी बाजू अच्छे से आ जाएगी। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे बाजू कटिंग कर रही हूँ, उसके लिए आप फिर से रॉन्ग साइड फोल्ड कर ले, और जितनी आपको लेंथ चाहिए, देखिए जैसे मुझे यहाँ 19 इंच तैयार चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ लास्टिक डाल के डिज़ाइन डालने वाली हूँ, नहीं तो अगर आपको डिज़ाइन नहीं डालना तो कम में भी चल जाता, लेकिन मुझे डिज़ाइन डालना है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 19 इंच मुझे चाहिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 20.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। अब देखिए अब है ये हमारे बाजू का आगे से मोहरी, अब इसमें क्या करेंगे आप, 5 इंच हमें चाहिए, सॉरी अब ये पीछे से 8.5 इंच जहाँ से हमारा आर्म होल होता है, और 2.75 पे नीचे की हम जो गोलाई देते वो कर ली। अभी मोहरी में मुझे 5 इंच चाहिए, 5 से 4.5 इंच के बीच में जितना आपको चाहिए, उसके साथ आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर लीजिए जो हमारे मार्जिन के लिए हमें चाहिए जहाँ से हमारी बाजू की कटिंग होगी। तो दोनों जो निशान हमने लगाए थे उनको मार्क कर दें और कट कर लें। अब एक बाजू हमारी कट हो गई, दूसरे को भी इसी तरीके से आप रख के कट कर सकते हैं। अब हमें डिज़ाइन डालना है दोस्तों। डिज़ाइन के लिए देखिए ये रेप पट्टी को बोलते हैं, कपड़े को तिरछी साइड से कट करना। तो बाजू में डिज़ाइन डालना है, बाजू के लिए आप 3-3 इंच की लंबी रेप पट्टी कट कर लें, और गले के लिए आप 1.5 से 2 इंच की पट्टी कट कर सकते हैं। इस तरीके से आपने कट कर लेनी है, और कट करके आपने क्या करना है, या तो आप इनको पिको कर लें साइडों से, अगर आप पिको नहीं कर सकते तो आप हल्की हल्की सिलाई मार दें बिल्कुल किनारी किनारी पे। देखिए मैंने इनको पिको कर लिया है और मैं अब डिज़ाइन डालूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने देखिए फ्रंट पार्ट लिया है, और फ्रंट पार्ट के सेंटर में मैंने मार्क कर दिया है, जिससे कि हमें पता चले ये हमारा फ्रंट का सेंटर है। अब डिज़ाइन डालिए, इस तरीके से आपने प्लेट डालनी है, थोड़ी मोटी मोटी डालिए इस तरीके से। ये देखिए पहले हम सेंटर से ही मशीन को रखेंगे, सिलाई जो हम लगाएंगे वो सेंटर से ही लगाएंगे ताकि हमारे कम ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए देखिए मोटी सी प्लेट डाल लें और यहाँ पे आप सिलाई लगाएं इस तरीके से, और दूसरी साइड भी, अंदर की साइड हमने देखिए अंदर की साइड आपने फोल्ड करना ही है, आप ध्यान रखिए इस बात का, दोनों साइड एक ही तरफ हैं, दोनों जो प्लेट हैं उनका मुंह एक ही तरफ है,
इसी तरीके से करना है, दूसरी भी इसी तरीके से डाल दें। तो मैं यहाँ दो दो डाल रही हूँ, तो बैक मशीन को घुमा के लाना पड़ेगा दूसरी के लिए, ताकि हमारी कम ज़्यादा ना हो। ये देखिए मैं बैक ले आई हूँ मशीन को घुमा के, और अब हम इसको भी डाल देंगे। देखिए प्लेट हमारी डल गई है। अब आप गले का जितना आपने बोटना है, कटिंग करनी है, या जो भी आपने गले की कटिंग करनी है वो आप कट कर लें। आप देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ फोल्ड कर दिया। आप 4 इंच, 3 इंच, 5 इंच, जितना आपको डीप चाहिए आप उसी हिसाब से आप इसको कट कर लें, क्योंकि हमने इसमें फ्रिल लगानी है। तो मैं थोड़ा सा हल्का सा डीप कर रही हूँ, मतलब 5.5 इंच पे, और अगर आपको 4 इंच करना है तो आप 4। ये देखिए दोस्तों, गले में डिजाइन लगाने के लिए आप जो हमने रेप पट्टी ली है उसको फोल्ड कर लें, और इसमें क्योंकि देखिए अच्छे से फ्रिल आए, उसके लिए मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया बीच में से, क्योंकि दोनों साइड हमने पिको की हुई थी। और इनको आप छोटा बड़ा कर लें, एक साइड छोटी होनी चाहिए, एक साइड बड़ी, ताकि जो हमारी फ्रिल है वो अच्छे से आए। और इस तरीके से आप रखते जाएं, इसको आप रफली कर सकते हैं, नहीं तो आप सुई धागे की हेल्प से पहले जैसे मोटी मोटी सिलाई मार के भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यही ईजी लगा। मैं साथ साथ ही डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें पता भी नहीं चलता, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप इसको लगा लें। ये देखिए पूरे गले में मैं लगा रही हूँ, और इसके बाद एक रेप पट्टी कट करके और आपने इसके गले पे अंदर की साइड इसको फोल्ड कर देना है पट्टी को, ताकि जो हमारा गला है, ये जो हमारी फ्रिल है वो इस तरीके से आ जाए। ये देखिए जो हमारे अंदर की साइड होती है वहाँ जैसे हम हमेशा गला फोल्ड करते हैं, वैसे करके आपने ये सिलाई लगा देनी है, और इस तरीके से हमारा जो गला है वो तैयार हो जाएगा। अब मैंने बाजू पे डिज़ाइन डालना है दोस्तों, इसके लिए फिर से मैंने रेप पट्टी ले ली है, और इसके लिए वैसे ही सेम हम डिज़ाइन डालेंगे। तो आप इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप इसके ऊपर से ही सीधा ही लगा लें, सेंटर से सिलाई लगाते जाएं, प्लेट डालते जाएं, सेंटर से सिलाई लगाएं, प्लेट डाल लें, और दूसरी जैसे हमने गले पर लगाई है आप उसी तरीके से सेम भी लगा सकते हैं। जैसे गले पे लगाई है तो वो मतलब नीचे से सिलाई आएगी, उस तरीके से भी आप सेम लगा सकते हैं, और इस तरीके से भी ऊपर से भी लगा सकते हैं। ऊपर वाली क्या है, थोड़ी इजी पड़ेगी, बिल्कुल ही आसान है। ये देखिए इस तरीके से आप कम ज़्यादा हो जाए दोस्तों, कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ प्लेट ज़्यादा है और कहाँ प्लेट कम है, क्योंकि जॉर्जेट का कपड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही आएगी जैसी फ्रॉक पर फ्रिल लगी होती है वैसे। इस तरीके से हम बाजू को तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी बाजू तैयार हो गई है, मैंने दोनों बाजू तैयार कर ली हैं। और इसके बाद हमें, क्योंकि देखिए हमने लेंथ थोड़ी ज़्यादा ली थी, क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक डाल के डिजाइन डालना था, जॉर्जेट का कपड़ा है, तो इस तरीके से हम इसमें डिजाइन डालेंगे। ये देखिए 6 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है, और ये देखिए 6 ही इंच का मैंने इलास्टिक ले लिया है, ये पतले वाला, बिल्कुल पतले वाला जो इलास्टिक आता है वही है सेम। तो यहाँ से हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको लगाना, एक ही सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, कोई ज़्यादा वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से इसको लगा लेंगे, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए थोड़ा खींचते जाए हल्के हाथों से और लगाते जाएँ इस तरीके से। आप हल्के, आप इसमें किसी दूसरे की हेल्प भी ले सकते हो पीछे से, ताकि आपका कपड़ा ज़्यादा आसानी से लग जाए इलास्टिक, और थोड़ा थोड़ा खींचते जाएं और लगाते जाएं। इसी तरीके से आपने दोनों बाजू तैयार कर लेनी है दोस्तों। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आता है, जब हमारा टॉप तैयार होगा तो आप खुद ही देखेंगे। ये देखिए हमारी इलास्टिक लग गई है। हाँ, इलास्टिक की लेंथ भी आप कम ज़्यादा अपनी इच्छा से कर सकते हो। तो इलास्टिक हमारी तैयार हो गई है, अब आप फिटिंग के बाजू को टॉप के साथ अटैच कर दें, और इस तरीके से देखिए दोस्तों, आप बाजू का अटैच कर दें, साइड की सिलाई लगा दें, और सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से हमारा टॉप तैयार हो जाएगा। अब हमारा जो बचा है वो सिर्फ हमारा नीचे का बचा है, तो आप इस तरीके से इसके दो ऑप्शन, आपके पास सिलाई लगा दें पतला पतला मोड़ के, और दूसरा है आप प्लास्टिक डाल लें। तो मैं यहाँ इलास्टिक डाल के दिखा रही हूँ, इलास्टिक डाल रही हूँ अपने में, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। तो आप क्या करें, अपनी हिप का ऐसे फोल्ड करके इंची टेप अपनी हिप का आप नाप ले लें, और उससे आपको जितना आपका है उसको 4 इंच कम कर दें। जैसे मेरा 36 है, और मैंने यहाँ इलास्टिक जो कट किया है वो 32 इंच की है, तो मैं इजीएस्ट तरीका आपको इलास्टिक डालने का बता रही हूँ। आप इस तरीके से जितना चौड़ाई आपकी इलास्टिक की है उसका थोड़ा सा
ज़्यादा आपने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है नीचे से घेरे को। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, इस तरीके से आप घेरे को फोल्ड कर लें और थोड़ा सा आपने होल छोड़ देना जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए हम यहाँ से इलास्टिक डालेंगे तो यहाँ से आप छोड़ दें इसको और अब आप यहाँ पे इलास्टिक लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करें, आप एक पिन लें और पिन में इलास्टिक को डाल लें इस तरीके से, और इसको आप जैसे नाड़ा डालते हैं ना दोस्तों बिल्कुल वैसे आपने डाल लेना है। और दूसरी साइड से जब ये निकल के आएगा इस तरीके से, तो इनको ऊपर नीचे हमने करके सिलाई अच्छे से लगा देनी है, बिल्कुल पक्का कर लेना है। चार पांच सिलाई घुमा दें आप यहाँ पे और ये देखिए इस तरीके से हमारा टॉप तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा खींचते चलें और इस पर एक सिलाई सेंटर में और लगा दें इस तरीके से। आप इसमें भी दूसरे किसी की हेल्प ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपका ये सबसे ही आसान तरीका है। वैसे इलास्टिक लगाने के दो तीन तरीके हैं, ये सबसे इजी मुझे लगता है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस तरीके से हमारा टॉप अब बिल्कुल तैयार है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा दोस्तों, अगर पसंद आई हो तो कमेंट कीजिएगा ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू दोस्तों। दोबारा देखूँ क्या शुरू